अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? बेच मारो इस कैबिन को। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको। जी लेकिन सर वो स्टाफ। अरे क्या स्टाफ, सुबह करके नहीं आते? राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो भेज मारो उसको। एग्जैक्टली यही तरीका फॉलो कर रहे हैं एलोन मस्क ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर विदाउट नोटिस बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर्ड कर दिया गया है, जो कि आज ही किया गया, कल मैंने बता दिया था, और आज ये सारा काम हो चुका है। और इसी वजह से ट्विटर को लॉसूट मारा है बहुत सारे एम्प्लॉयज ने। जहाँ पर भी कंपनी 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखती है उनको नोटिस देना पड़ता है 60 दिन पहले ही किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नोटिस नहीं दिया है, सीधा ही सब को निकाल दिया गया। और इसी के साथ साथ ट्विटर का जो स्टाफ है उन सभी का ईमेल एक्सेस ले लिया गया, जो कि कंपनी का ईमेल है वो एक्सेस ले लिया गया है, ताकि वो ट्विटर के अंदर एक्सेस ना कर पाए और जो भी सेफ्टी है यूज़र की और एम्प्लॉयज़ की बाकी के, उनको इंश्योर करने के लिए सारी चीज़ें कही गई है। जिसकी वजह से ट्विटर के ऊपर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाने हैं कि भैया हम तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, शायद हमको भी निकाल दिया गया। लेकिन निकाला नहीं गया है उनको, बस सभी का ईमेल एक्सेस ले लिया गया है ताकि थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहे, वरना अगर किसी को गुस्सा आ जाए वो सारा का सारा ट्विटर का डेटा ही डिलीट करने की कोशिश करे। हालाँकि उनके पास में रिजर्व होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस वजह से सारी चीज़ें की गई हैं। और बाकी आज सुबह से ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, दुनिया भर में ट्विटर के जहाँ जहाँ ऑफिस थे जगह जगह से निकाला गया, और सबके पास में जो पर्सनल ईमेल है उसके ऊपर एक ईमेल गया है कि अगर आप ऑफिस की तरफ आ रहे हो या ऑफिस सोच रहे हो आने की, तो बिल्कुल मत आओ, घर ही बैठे रहो, क्योंकि आपको अलविदा कर दिया गया है। अगर ट्विटर के आप इंडियन एम्प्लॉयज़ की ही बात करोगे तो भैया पूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही उन्होंने फायर्ड कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग वार्केटिंग की, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो यहाँ तो एलोन मस्क पूरे गोविंदा ही बने हुए हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है इसको बेच बालो, इसकी ज़रूरत नहीं है इसको बेच बालो, हटा दो सबको। तो इस तरीके की चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो भी अब ट्विटर के ऊपर एक्शन ले रही हैं। वो अपनी एड्स सस्पेंड कर रही हैं, कह रही हैं हम तुम्हारे ऊपर एड्स चलवाते ही नहीं हैं। जब से एलोन मस्क आए हैं कई सारी चीज़ें कर रहे हैं बहुत ही अग्रेसिवली, तो इस वजह से दूसरी जो कंपनी है उन्होंने कहा कि एड्स हम दिखाते ही नहीं। दोस्तों इंडिया के अंदर शाओमी ने करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी की है, जिसको ईडी ने पकड़ा है। और एक और बात अब सामने निकल कर आई है कि इन्होंने ड्यूश बैंक के साथ में भी इलीगल एग्रीमेंट वगैरह करे हैं। दरअसल शाओमी और ड्यूश बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते हैं पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, की हमारे पास ये चीजें हैं या फिर ये पेटेंट है, ये लाइसेंस है, उसके बदले में आप हमें कुछ पेमेंट वगैरह दे दो। तो इस तरीके की पेमेंट भी ले रखी है इन्होंने, जबकि उस तरीके की कोई भी चीज़ इनके पास में है ही नहीं। और यहाँ पर दोस्तों चाइना का एक प्लान है कि अपने टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे दो मंकीज का जोड़ा भेजना चाह रहे हैं ये, जो कि मेटिंग करेंगे आपस में, जिससे कि बच्चे बच्चे होंगे। और यही देखना चाहते हैं कि जो स्पर्म है एग है वो कॉस्मिक रे की वजह से डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाता, या फिर वहाँ पर मेटिंग करने के बाद में जब वो अर्थ पे आते हैं तो बच्चा होता है नहीं होता, वहाँ पर मेटिंग करवाएंगे और उसके बाद में अर्थ पे ले आएंगे। इधर से ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग मून पर इंसानों को भेजने की है, तो वहां पे भी कुछ इस तरीके की चीजें हो सके उसकी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। दोस्तों चाइना के स्पेस प्रोग्राम की वजह से कई बार ऐसी हालत हो जाती है कि रॉकेट पता नहीं कहां पर गिरेगा। इस बार फिर से जो इनका लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर गिरा है, जिसके लिए स्पेन को पहले ही बता दिया गया था कि भैया वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल स्पेस डिब्रीज गिर सकती हैं। तो वो पैसिफिक ओशियन में गिरी है, किसी देश के ऊपर नहीं गिरी है, तो चलो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, वो बात तो ठीक है। लेकिन इनकी हरकतें ये चौथी बार हुई है, जब एक बार तो इंडिया में भी गिरा था, शायद कहीं पे कुछ टुकड़ा गिरा था जो कि कई सारे लोग उठाकर ट्रैक्टर में भरकर लेके जा रहे थे कहीं पर जहाँ पे भी छोड़ना होता है। और इसी के साथ साथ ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था ये दरअसल फाइनल मॉड्यूल को लेके गया था इनके टियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। दोस्तों एक्टिविजन ब्लिजार्ड की कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 रिलीज होते ही सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उन्होंने 800 मिलियन की धमाकेदार कमाई कर ली और अपने सारे ही प्रीवियस रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर डाले। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने ये उन सभी को जवाब दिया है जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिविजन ब्लिजार्ड की $70 बिलियन की डील को। मतलब इतने से आधे में तो ट्विटर खरीद लिया एलोन मस्क ने, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक गेमिंग कंपनी खरीदी थी, और क्यों खरीदी थी वो इससे ही मालूम चलता है कि 3 दिन में $800 मिलियन की कमाई। दोस्तों फेमस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के सीईओ चेंग पेंग जाओ ने कहा है कि इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी
टैक्स है कि उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी इंडिया के अंदर। मतलब 30% का टैक्स जो भी आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई करोगे, मान लो अगर आपने 100 रुपये भी कमाई कर दिए तो आप उसके 30 रुपये गवर्नमेंट को दोगे और बाकी के 70 रुपये अपने पास रखोगे। बल्कि 70 भी को जब निकालोगे थोड़ा बहुत शायद क्रिप्टो करेंसी वॉलेट वाले भी लेते होंगे कि भैया ये थोड़ा सा हमें भी दो, तो आपको चलो मिल जाएगा जो कुछ भी है 70% ही मान लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी की हालत अगर देखो तो लोगों के 100 रुपये 5 रुपये में बदली हो रखे हैं, उसका क्या। दोस्तों साउथ अफ्रीका का केप टाउन काफ़ी ज़्यादा फेमस है कार हाईजैकिंग के लिए और चोरी चकारी के लिए, लेकिन वहाँ पर कोविड के वक्त में जब स्कूल वगैरह सभी बंद हो चुके थे तो सिर्फ 6 महीने के ही अंदर एक स्कूल पूरी तरीके से चोरी कर लिया गया। अब आप कहोगे क्या चोरी किया होगा, डेस्क चोरी किए होंगे, ब्लैक बोर्ड चोरी कर लिया होगा, कुर्सियाँ टेबल ये सब चोरी कर लिया होगा, लेकिन वहाँ की एक एक ईंट तक चोरी कर ली गई, पूरा स्कूल ही गायब कर दिया गया, जो कि गूगल मैप के ऊपर अब आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पहले स्कूल हुआ करता था, अब उसके वहाँ पर एक ईंट तक नहीं है। कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया।